हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मास्टर मैन आईक्यू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास मध्यम तुमको पॉलिटी टफ एनसीक्यू क्वेश्चन को कवर करवा जहाँकि समस्त प्रकार कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस सहित प्लस टू रे जो मान पॉलिटिकल रही ग्रेजुएशन जो मैंने भी करा भी पॉलिटिकल ऑनर्स रही तो से बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। तो जो मैंने भी कॉम्पिटिटिव लाइन में अच्छ बिल्कुल भी वीडियोटी को मिस एवं रिसेंटली जो एग्जाम गुड़िक रही जोटा कि ओ ट्रिपल एस एस सी हो ग्रुप डी एंट्रेंस हो तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन गुड़िक तुमने पाइपर चैनल नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब करा सहित अल् नोटिफिकेशन अन् करदेव जहाँद्वारा कि यहीपर रिलेटेड गुरुत्वपूर्ण क्लासेस गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन गुड़िक तुमने चैनल मध्यम पाइपर न्यूज जॉब रो वैकेंसी रो अपडेट ता सहित सेंट्रल गवर्नमेंट हो स्टेट गवर्नमेंट होशार समस्त प्रकार जहाँ भी गवर्नमेंट तरफ एजुकेशन रिलेटेड अपडेट आसूस गवर्नमेंट तरफ जहाँ भी वैकेंसी आसूस तो से सब तुम मैंने चैनल मध्यम पाइपर सहित आमर न्यूज अफ्र वैकेंसी रो पीडीएफ ता सहित तुम मानक टेलीग्राम चैनल मध्यम समस्त प्रकार सुविधा पाइपर लाइक पीडीएफ नोट्स क्विज एवं तुम मानक जहाँ भी सब डाउट रही तुम मैंने पचारिपर तो टेलीग्राम लिंक तुम मानक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रही तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे क्लिक करके तुम मैंने टेलीग्राम चैनल जॉइन हो पार सहित टेलीग्राम एप्लीकेशन को जाकि सर्च बार रे सर्च करदेव मास्टर ब्रेन आईक्यू। ये मास्टर ब्रेन आईक्यू सर्च कर मात्र के तुम मानक पाखापाखि 425 प्लस मेम्बर से जॉइन होकर अच्छा तो से बेनिफिट पाँच तुम मैंने बेनिफिट पाइपर तो चलत पे कवर करवा तुम मान फास्ट क्वेश्चन जोटा कि पॉलिटी सिलेक्टिव क्वेश्चन गुड़िक रही तुम मानक फर्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर हवापे मिनिमम एज तुम मानक तो सर्वप्रथमें आम जाणी रखा उचित जे प्राइम मिनिस्टर जो हूँ गोटे लोकटा जिते बड़े प्राइम मिनिस्टर हुए तो सी क्या द्वारा को हाउस तरफ रू प्राइम मिनिस्टर होता है तो जी भी पार्लियामेंटर जो हाउस गुड़िक रही जमीका अपर हाउस लोअर हाउस रही लोकसभा राज्यसभा तो सर्वप्रथमें प्राइम मिनिस्टर तो तुम मान लोकसभा हिं बछाई था लोकसभा जार संख्यागरिष्ठता मेम्बर थी एवं तार प्रतिनिधित्व करुवा व्यक्ति ही प्राइम मिनिस्टर होता तो तुमने समस्ते जान किंतु ये जो लोकसभा आम जब जानवा जे लोकसभा मेम्बर हाँपे मिनिमम एज के जापर जे प्राइम मिनिस्टर हाँपे मिनिमम एज के तो लोकसभा मेम्बर हाँपे मिनिमम एज तुम मानक हूँ 25 इयर एवं राज्यसभा मेम्बर हाँपे मिनिमम एज हूँ तुम मानक 30 इयर तो जड़े जिते बड़े प्राइम मिनिस्टरटा लोकसभा निर्वाचित होता है तो तार मिनिमम एज तुम मानक 25 इयर रहा दरकार तो से रिलेटेड जदि आम देखा जदि तुम मैं पे पचार जो प्रेसीडेट हाँपे मिनिमम एज के तो यार सठिक आंसर तेल कौन हम प्रेसीडेट हाँपे तुम मानक 35 इयर होता दरकार तो से टाइप रि तुम मानक पचार कि भोट दवाप मिनिमम एज के 18 इयर जदि तुम मान पचार कि पंचायत इलेक्शन अपकमिंग रही फेब्रुवरी मंथ रे तो से जदि तुम मैं पचार सरपंच कैंडिडेट हाँ पे मिनिमम एज के तो तुम मानक 21 इयर तो इजिली फिले तुम मैंने समस्ते बुझीपार तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलत कवर करवा फर हुई वन अफ द फॉलोइंग कमिशन देयर इज नो प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो क्या कौ कमिशन तुम मानक भारत संविधान में कौन से प्रकार प्रोविजन ना जोटा कि फिले यार सठिक आंसर कौन हम इलेक्शन कमिशन ना फाइनेंस कमिशन ना प्लानिंग कमिशन ना यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन तो यार सठिक आंसर फिले हो प्लानिंग कमिशन जदि देखा आम प्लानिंग कमिशन चेयरमैन किए तो फिले मन रख तुम मानक डायरेक्टली पचारिदेव जो प्लानिंग कमिशन चेयरमैन होती मन रख प्राइम मिनिस्टर तो प्लानिंग कमिशन चेयरमैन होती प्राइम मिनिस्टर एवं ये जो प्लानिंग कमिशन आम पंचवार्षिक योजना पर ठीक कार्यकारी होती जोटा कि इयर जब पर्टिकुला कह 1950 1950 मसीहा आमर कार्यकारी कर आसूम ये प्लानिंग कमिशन टा तुम मानक आर्टिकल 39 मेनसन हो तो मन रख प्लानिंग कमिशन एबाउट तुम मानक आर्टिकल 39 आम मेनसन हो एवं ये आर्टिकल 39 तुम मानक जो रिलेटेड रही है डीपीएसपी रिलेटेड रही है जो प्लानिंग कमिशन रही है डीपीएसपी रिलेटेड रही है डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पुणी कौटू आसी तुम मानक आयरलैंड आसी इरिश कॉन्स्टिट्यूशन तुम मानक बरड होता इजिली फिले जापरल ये आम
बहुत सारा जिनस शिखापी पाइले कि प्लानिंग कमिशन जहाँपी कौन प्रकार प्रोविजन ना आम संविधान में प्लानिंग कमिशन चेयरमैन होंगे आम प्राइम मिनिस्टर एवं यहीटा तुम मानक 1950 मसीहा पंचवर्षिक योजना प्रठार कार्यकारी ही आसूसी सहित आर्टिकल 39 रे तुम मानकर मेनसन रही डीपीएसपी रे इसे रिलेटेड रही। नेक्स्ट क्वेश्चन को पहले कवर करवा आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर इन इंडिया टू बी तो आर्टिकल 1 टा हमरा कौन डिक्लेयर करे जोटा कि यूनियन ऑफ अ स्टेट इजिली पहले जानी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को पहले कवर करवा सिंस इंडिपेंडेंस हाउ मेनी टाइम नेशनल इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर इन द इंडिया तो आमर जितेबले भारत स्वाधीन हैला 1947 मसीहा अगस्त 15 पर डेट रे तुम मानकर केते थर इमरजेंसी लागू होती तो पिले मने रख नेशनल इमरजेंसी आमर टोटल 3 लागू होती तो सर्वप्रथमे आमर 3 लागू होती तो यार आंसर आम पाईगले 3 times। जदि आम कि बेसिक रु जिनस गुड़ डिस्कसन करवा सर्वप्रथमे इमरजेन्सी कौन आम जानवा तो इमरजेन्सी हूँ गोटे आपत्कालीन जरूरी परिस्थिति अटे जितेबले कौन सी राज्य देश संकट आसे तो से इमरजेन्सी तुम मान लगी इमरजेन्सी की मध्यम पीले तुम मानक तीन भाग में विभक्त करो इमरजेन्सी की जो तीन भाग में विभक्त करगुड़ी तुम मानक कौन गोटे हूँ नेशनल इमरजेन्सी गोटे हूँ स्टेट इमरजेन्सी आ गोटे हूँ फाइनेंशियल इमरजेन्सी एवं जो नेशनल इमरजेन्सी अबाउट रे तुम मानक आर्टिकल 352 रे मेंशन अच्छी तो तुमने नोट डाउन करके रखिपर समस्त डिटेल्स गुड़ी जो गुड़ी मुझे तुम सहित एवं सेयार करुच्ची तो नेशनल इमरजेन्सी आर्टिकल 352 रे मेंशन अच्छी तापर स्टेट इमरजेन्सी 356 रे अच्छी तापर फाइनेंशियल इमरजेन्सी 360 रे अच्छी आर्टिकल तो ये जो जिनस गुड़ पे जो कहूँ तुम मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट अटे ये क्वेश्चन गुड़िक तुम मैंने नोट डाउन कर सहित आम जब देखा कि नेशनल इमरजेन्सी जो रही भारत में जो 3 लागू होती कौ कौ ईयर में लागू होती कौ कौ सिचुएसन तुम मान लागू होती तो चलते देखा तो जो प्रथम जो फास्ट होता तो सहीटा तुम मानक होता तो फास्ट नेशनल इमरजेन्सी तुम मानक 26 अक्टोबर 1962 रु स्टार्ट हितिला एवं एहार ड्यूरेशन फिले रहितिला जोटा कि 10 जनवरी 1968 तो मन रख यार डिटेल्स जोटा कि मु तुमको कहली कि कौ ईयर भितर एटा हितिला 26 अक्टोबर 1962 रु 10 जनवरी 1968 भितर एटा कौन पे हितिला ना आमर इंडिया एवं जो चाइना वार होता तो इंडिया चाइना वार पाई तुम मानकर ये जो इमरजेन्सीटा तुम मानकर लागू होता तो इजिली पे जानी हो फास्ट इमरजेन्सी तुम मानकर जो नेशनल इमरजेन्सी रही तो सेटा 1962 मसीहा 26 अक्टोबर सर्वप्रथम आरंभ है यार ड्यूरेसन 10 जनवरी 1968 भितर रही यहाँ कौ परिप्रेक्षी में लागू होता ना जो इंडिया और चाइना बैटल होता तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करवा सॉरी नेक्स्ट जो इमरजेन्सी रही जो सेकेंड इमरजेन्सी तुम मानक रही यहाँ के तो मन रख यहाँ तुम मानक 1971 मसीह तुम मानक यहाँ स्टार्ट होता 3 डिसेम्बर रे तो 3 डिसेम्बर 17 डिसेम्बर 17 डिसेम्बर भितर यार ड्यूरेसन रही तो यो 1971 मसीह नेशनल इमरजेन्सी सेकेंड थर पर तुम मानक भारत रे तो यहाँ तुम मानक कौन पे हितला ना इंडो पाकिस्तान वार जो हितला आमर तो इंडो पाकिस्तान वार पर तुम मानक इमरजेन्सीटा लगू था नेशनल इमरजेन्सी सेकेंड थर पर लगी तो पर्टिकुलर इयरली इयर जदि कह 1971 3 डिसेम्बर 17 डिसेम्बर भितर यार ड्यूरेसन इजिली बुझी तापर आम जी कहे थर्ड नेशनल इमरजेन्सी जो आमर थी भारत में लागू होता तो सहीटा तुम मानकर केबे लागू होता तो मन रख यहाँ तुम मानकर 25 जून रु आरंभ होता जोटा कि 1975 मसीहार एवं यार ड्यूरेसन फिले रही 21 मार्च 1977 तो मन रख तुम मैंने देखिपे स्क्रीन 25 जून 1971 21 मार्च 1977 या भर ड्यूरेशन रही तो ये जो थर्ड इमरजेन्सी नेशनल इमरजेन्सी लागू है यार रीजन कौन थी तो यार मुख्य रीजन थी कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी देखा दे
कहा गवर्नमेंट समय रे ना यहाँ मन रख इंदिरा गांधी गवर्नमेंट समय रे तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी देखा जाता तो से तुम मानकर नेशनल इमरजेंसी तृतीय थर पर भारत में लागू होता इजिली जाणी हो सठिक अंश तो तुम मैंने जान लो थ्री टाइम्स ही भारत में लागू होपर नेक्स्ट क्वेश्चन पे रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आट ए ट्रिब्यूट इन द फ्रेमवर्क स्टेट दैट नो वन शुड ट्रीट ए फेलो सिटीजन एज इनफेरियर तो ये पे तुम मानक भारत जो प्रस्तावना रही प्रस्तावना अनुसार आम क्या गौण व्यवहार निम्न व्यवहार प्रदर्शन करना यहाँ आम पे कौन सूचाऊँच यहाँ आम फ्राटर्निटी को सूचाऊँच जोटा कि भाईचारा को सूचाऊँच तापर तुम मानकर नेक्स्ट क्वेश्चन पे रही ए मनी बिल क्या भी इंट्रोड्यूस हुए तो मनी बिलटा तुम मानकर केबे सॉरी मनी बिलटा तुम मानकर को हाउस रे इंट्रोड्यूस करा जाए तो पे मन रख मनी बिलटा तुम मानकर लोकसभा रे बा लोयर हाउस लोकसभा को तुम मानकर लोयर हाउस बोली का कहा जाए तो लोयर हाउस रे तुम मानकर इंट्रोड्यूस होता है जोटा कि मनी बिलटा तो इजिली तुम मैंने पे जाणी होची तो आम जदि सिंपली देखा जे लोयर हाउस कहले तुम मानकर लोकसभा तो अपर हाउस कहले तुम मानकर राज्यसभा एवं ये जो मनी बिल पे रही ये मनी बिलटा तुम मानकर कौ आर्टिकल रही जदि तुम मानक पे आर्टिकल पचार तो पे मन रख आर्टिकल वन वन जीरो वन टेन रही आर्टिकल शहे दस रे तुम मानकर मनी बिल अबाउट रे रही तापर पे नेक्स्ट क्वेश्चन रही वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा तो यहाँ तुम मानकर वाइस प्रेसिडेंट जे कि कहार एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ना राज्यसभा तो ये जो डिटेल्स पे रही वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियल ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा तो तुम मानक पचारिदेव जो यहाँ तुम मानकर कौटू बरड कर यहाँ पे तुम मानकर यूएसए जो रही तो यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन ये भारत को बरड कर तुम मानक पचार आर्टिकल के मेनसन हो तो पे मन रख आर्टिकल 64 आउ 89 ए रे मेनसन रही तो एक पे नोट डाउन तुम्हें कर नेक्स्ट क्वेश्चन पे कवर करवा द यूनियन गवर्नमेंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल फॉर द लोकसभा तो जो मैंने भी काउंसिल मिनिस्टर थे यूनियन गवर्नमेंट तो से मैंने कहा सभा कहा निकट में उत्तरदायी रे लोकसभा निकट में उत्तरदायी रे इन ह्विच इयर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया स्टार्टेड फंक्शनिंग तो आमर जो भारत जो संविधान थिला तो सी केते मसीह रे तुम मानकर जोटा कि कार्यकारी करबा आरंभ करथिला तो मन रख 1946 मसीह रे तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पे कवर करबा फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ तो आमर जो फंडामेंटल ड्यूटीज पे रही जो मौलिक कर्तव्य रही तो सहीटा तुम मानकर कौ कमिटी सहायता रे भारत रे कार्यकारी होता कौ कमिटी रिकमेंडेशन जरिया रे भारत रे फंडामेंटल ड्यूटीज कार्यकारी होता तो यार सठिक आंसर हो जोटा कि सोरन सिंह कमिटी एवं ये सोरन सिंह कमिटी 42वां आमेंडमेंट जरिया तो पे मन रख 42वां आमेंडमेंट जरिया 1976 मसीह रे एटा को कार्यकारी करा जायतिला तो मन रख 1976 मसीह रे 42वां अमेंडमेंट जरिया रे एको कार्यकारी करा जायतिला तो नेक्स्ट क्वेश्चन को फिले कवर करिबा हु अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी ऑफ द स्टेट इन इंडिया तो आमर जो प्रत्येक राज्यर मुख्यमंत्री रही कारण राज्यर को चलने राज्यर मिनिस्टर मानकर समस्त प्रकार कार्य को नियंत्रण करने मुख्यमंत्री था यही मुख्यमंत्री को किए अपॉइंटमेंट कर तो पे मन रख गवर्नर ऑफ द स्टेट से ही राज्यर जी की गवर्नर था तो सी ही एक अपॉइंटमेंट कर मुख्यमंत्री को अपॉइंटमेंट कर तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पे कवर करवा हु होल्ड द हाईएस्ट लॉ ऑफिस इन इंडिया तो मन रख तो यह किए होल्ड कर हाईएस्ट लॉ ऑफिस भारत में तो अटॉर्नी जनरल तो यार सठिक आंसर पे अटॉर्नी जनरल तो जदि मु प्रेजेंट डेट कथा कह पे प्रेजेंट डेट रे तुम मानक पचारिदेव जोटा कि अपकमिंग एंट्रेंस रही तो प्रेजेंट डेट रे अटॉर्नी जनरल किए पे तो पे मन रख वेणुगोपाल वेणुगोपाल
तो वेणुगोपाल जी कि तुम मानकर प्रेजेंट अटर्नी जनरल अटंती एवं ये केते मसीह रु फिले जॉइन हे कि अछंती ये 2020 मसीह रु जॉइन हे कि अछंती यांको फिले की नियुक्ति देछंती प्रेसिडेंट नियुक्ति देछंती एवं ये जो वेणुगोपाल फिले अछंती अटर्नी जनरल हिसाब रे तो ये केते तम अटर्नी जनरल तो फिले मन रख 15 तम अटर्नी जनरल तो इजिली फिले बुझी होची तो ये क्वेश्चन फिले जानी पेल यार सठिक आंसर है तुम मानकर अटर्नी जनरल तापर फिले तुम मानकर नेक्स्ट क्वेश्चन देची आर्टिकल 3-4 रू 3-9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यून व्हिच ऑफ द फॉलोइंग तो एटा ट्रिब्यूनल ना इलेक्शन ना कास्ट सिस्टम ना पंचायत सिस्टम तो आर्टिकल 3-4 रू 3-9 भितर तुम मानकर कहा कथा सूचित होची पेले इलेक्शन कथा सूचित हेची तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिले टू हुम द प्रेसिडेंट हाज टू सबमिट हिज रेजिग्नेशन तो जितेबले पिले भारतर राष्ट्रपति निज पदवी त्याग करिवे तो सेतेबले से कहाकू देबे इस्तफा पत्र जेके वाइस प्रेसिडेंट को देबे बुझियाला तो भारतर राष्ट्रपति जितेबले निज पदवी त्याग करिवे तो रेजिग्नेशन लेटरटा वाइस प्रेसिडेंट को देबे हु अमंग द फॉलोइंग इज ए नॉन मेंबर बट कैन पार्टिसिपेट इन द बिजनेस ऑफ पार्लियामेंट जिए कि फिले पार्लियामेंटर सदस्य नुहति किंतु पार्लियामेंटर जो बिजनेस व्यापार रही जो व्यापार रही तो से पार्टिसिपेट करें तो यार सठिक आंसर हो पे मन रख अटर्नी जनरल तो पे अटर्नी जनरल जी कि सदस्य नुहति कि पार्टिसिपेट करें तो इजिली पे जाणी हो तो युव रही पे तुम मानक डिटेल्स रही तो आशा करछी तुमको क्लास टी भल लगी क्लास मध्यम किसी शिक्षा भी मिली जदि पे क्लास टी भल लगी क्लास टी गोटे गोटे लाइक करने सहित निज फ्रेंड्स मैंने सेयर करदे बहुत सारा सेयर करेंगे और जदि क्लास टी पे भल लगी तुमने निजर मत पार कमेंट सेक्शन में क्लास टी तुमको केमी लगला जदि फिर नेक्स्ट पार्ट तुमको ये टाइप सिलेक्टिव क्वेश्चन दरकार तो निहती भाव तुमने कमेंट सेक्शन कमेंट कर मुझे तुम्हारे नेक्स्ट पार्ट टी नहीं आसवि थैंक यू सो मच फिले जय जगन्नाथ।